हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल किचन टिप्स विद ईशा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे लेज़ी हैक्स लेकर आई हूं जो कि स्पेशली बिजी और वर्किंग मूमेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं, जो आपके काफ़ी समय की भी बचत करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं ये हैक्स क्या है आज की वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है लेफ्ट ओवर फूड को लेकर। जब हमारी कोई सब्जी, दाल या कुछ भी ऐसा सामान बच जाता है जिसको हमें फ्रिज में स्टोर करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके के कोई भी स्टील के कंटेनर, उसमें लेके हम इसको फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। और जब हमें इसको खाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रिज में से निकालते हैं। और फ्रिज में आपको पता ही है टेम्परेचर इतना ठंडा होता है, अगर हम इसको डायरेक्ट गैस के ऊपर रखते हैं तो हमारी काफ़ी गैस वेस्ट होती है, तो हमें इसको गर्म करने के लिए किसी ना किसी दूसरे बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे क्या है कि हमें आलस भी आता है कि निकाल के इसको बाहर रखें, फिर इसको किसी दूसरे बर्तन में गर्म करें। तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बढ़िया हैक लेके आई हूँ कि आप क्या करें, ऐसे टाइम के लिए आप अपनी जो है सब्जी को ऐसे बर्तन में स्टोर करें, हो सके तो इसको ग्लास के बर्तन में स्टोर करें या ऐसे बर्तन में स्टोर करें कि जिसको आप, जैसे कि मैंने सब्जी को इस कांच के बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब मैं इसको इसके साथ ही फ्रिज में स्टोर करूंगी और जब मुझे ज़रूरत होगी इसको मैं निकालूंगी और अपने माइक्रोवेव में रख के इसको गर्म कर लूंगी। इससे क्या होगा, एक तो मेरा टाइम बचेगा और दूसरा मेरा दूसरा बर्तन भी ख़राब नहीं होगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला हैक। जैसे कि हम जानते ही हैं कि गर्मी का सीज़न है और हमें मिनट मिनट में पानी की प्यास लगती है और हमें पानी पीना भी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब बच्चे हर थोड़ी देर बाद पानी का गिलास जूठा कर देते हैं, जिसके कारण हमारे सिंक के अंदर बर्तनों का ढेर लग जाता है, खासकर गिलास का। तो हम बार बार गिलास को साफ़ कर करके थक जाते हैं। तो उस टाइम के लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया हैक यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो मैंने क्या कर रखा है कि अपने घर के हर मेंबर के लिए मैंने एक एक बोतल जो है अलग रखी हुई है। जैसे कि ये मेरे हस्बैंड की बोतल है, ये मेरी बोतल है और ये मेरे बेटे की बोतल है। मैंने ये तीनों बोतलें अलग साइड में रखी हैं। तो अब क्या होता है कि जिसको अपना पानी पीना होता है वो अपनी बोतल उठाता है और उसमें से पानी पी लेता है, जिससे कि है कि मेरे ग्लास भी कम जूठे होते हैं और मेरा समय भी बच जाता है। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से नए कंटेनर लेकर आते हैं तो हमें क्या था इसमें हाँ दोस्तों जब भी हम मार्केट से कोई नया कंटेनर लेकर आते हैं और उसमें जब हम अपने मसाले या दालें फिल करते हैं, तो हमें उसकी लेबलिंग करनी पड़ती है कि वो कौन सी दालें हैं या कौन से मसाले हैं। लेकिन कई बार हमें इतना आलस आता है कि कौन स्लिप काटे और उसके ऊपर नाम लिखे और उसकी लेबलिंग करे। वैसे तो आज का रेडीमेड बाज़ार में लेबल मिल जाते हैं, लेकिन हम पैसा क्यों खर्च करें। तो उसके लिए मैं बहुत ही आसान हैक बताने वाली हूँ कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करें, आप सिंपल अपने जो है कंटेनर्स को लें और अपने कैबिनेट में उनको उल्टा करके रख दें। तो उससे क्या होगा, अगर आपके ग्लास के कंटेनर है तो आपको सब कुछ जो है विजिबल हो जाएगा कि किस कंटेनर में क्या है। उसका ये फ़ायदा है कि आपको लेबलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको सब कुछ अपने सामने ही दिख जाएगा। ये देखिए, मैंने कंटेनर्स को उल्टा कर दिया, अब मुझे पता है किस कंटेनर में लाल मिर्ची है, किस में हल्दी है और किस में मसाला है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले लेज़ी हैक की तरफ। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से धनिया लेकर आते हैं और उसको साफ़ करते हैं और जब हमें उसको काटना होता है तो काफ़ी दिक्कत सी महसूस होती है, क्योंकि इस प्रोसीजर में हमारा काफ़ी समय लग जाता है। वैसे तो हम चॉपिंग बोर्ड पे इसको काट ही लेते हैं, लेकिन कुछ लोग चाकू से काटना पसंद करते हैं, जिसके कारण उनका काफ़ी सारा समय इसको काटने में ही लग जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया लेज़ी हैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको भी अगर ऐसी दिक्कत होती है और आपका टाइम लगता है तो आप मिनटों में इसको काट सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ पिज़्ज़ा कटर का। जी हाँ, पिज़्ज़ा कटर का। आप पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको चुटकियों में ही काट सकते हैं। ये देखिए, मैंने लिया पिज़्ज़ा कटर और इसकी मदद से मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि ये कैसे इजीली कट जाता है। तो आपने देखा ना कि पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैंने अपना काम कैसे चुटकियों में निपटा लिया। आपको भी अगर कई बार ऐसी दिक्कत महसूस हो या आपके पास टाइम ना हो तो आप ये वाला हैक इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरा अगला हैक होने वाला है आलू को लेके। आलू ऐसी चीज़ है जो कि हमारी हर सब्जी में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको काटने में भी हमारा काफ़ी सारा समय लग जाता है, खासकर जब हमें चिली पोटैटोज जैसी कोई चीज़ बनानी होती है जिसमें एक ही शेप के हमें आलू काटने होते हैं। मेरा ये हैक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। तो उसके लिए पहले आप आलूओं को अच्छी तरीके से छील लीजिए। छीलने के बाद
हम लेंगे एप्पल कटर और एप्पल कटर की मदद से हम अपने आलू को काट लेंगे। इससे आप देखेंगे कि आपके आलू जो हैं बिल्कुल इक्वल साइज़ में कटेंगे। अभी देखिए हमारे आलू कट गए हैं। अब आप इनका इस्तेमाल चाहे तो सब्जी बनाने में करें, चाहे आप इसके साथ चिली पटेटो बनाएं या फ्रेंच फ्राइज़। अगला हैक होने वाला है दोस्तों एग को लेके। जब भी अंडे का इस्तेमाल करते हैं हम ऑमलेट बनाने के लिए या उसकी भुर्जी बनाने के लिए, तो हमें अंडे को बीट करना पड़ता है और बीट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है हमें बीटर की। लेकिन कई बार बीटर हमें अवेलेबल नहीं होता या हमारी पहुँच से दूर होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत ही छोटा सा हैक यूज़ कर सकते हैं। उसकी जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं फोक का, क्योंकि फोक या स्पून ऐसी चीज़ है जो कि हमारे काउंटर टॉप पे ही हमें इजीली मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, फोक को उठाएंगे और उसकी मदद से अपने अंडे को झटपट से बीट कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा लेज़ी हैक है, जिसके लिए हमें ना बीटर की ज़रूरत पड़ी और ना ही किसी और चीज़ की, और एक फोक की मदद से ही हमने अपना झटपट काम निपटा लिया। दोस्तों जब भी हमें राजमा बनाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम उसको वॉश करते हैं और उसके बाद हम उसको भिगो कर रखते हैं और उसके बाद हम उसको बनाते हैं। तो इस प्रोसीजर में क्या है, हम अलग अलग बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। हम धोने के लिए अलग बर्तन इस्तेमाल करते हैं और अपने राजमा को भिगोने के लिए अलग बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, और उसको पकाने के लिए फिर हम कुकर का इस्तेमाल करते हैं। इसको करने से हमारे क्या है, एक तो बर्तन भी काफ़ी सारे यूज़ होते हैं और हमारा टाइम भी काफ़ी सारा ख़राब होता है। तो आप बहुत ही आसान लेज़ी हैक यूज़ कर सकते हैं। जिस भी बर्तन में आपको राजमा बनाने हैं उसी में आप राजमा को धो लीजिए और उसी में भिगो कर रख दीजिए, और जब आपको सीटी लगवानी है तो उसी बर्तन में, जैसे कि कुकर में, उसी में ही आप उसमें सीटी लगवा लीजिए। इससे क्या होगा, ना तो आपका ज़्यादा टाइम ख़राब होगा और ना ही ज़्यादा आपके बर्तन ख़राब होंगे, और आपका काम भी झटपट हो जाएगा। राजमा तो दोस्तों हमारे बन गए। अब राजमा जो है चावल के बिना अधूरे हैं, तो क्यों ना चावल से रिलेटेड भी एक हैक शेयर कर दूं आपके साथ। तो दोस्तों जब भी हम चावल को भिगोते हैं तो हमें उसको बनाने के लिए एक मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है कि हमें चावल के अंदर कितना पानी डालना है। कई बार ऐसा होता है कि चावल हम भिगोते हैं और बनाने किसी और को पड़ जाते हैं, तो उसको समझ में नहीं आता कि इसके अंदर हमें कितना पानी डालना है या हमने कितने चावल भिगोए हैं। तो उसके लिए सबसे सिंपल और लेज़ी हैक ये है कि आप बस अपने दिमाग में ये रखें कि जब भी आप चावल बनाएं तो आप ध्यान रखें कि अगर आपके आधा उंगल चावल है तो उसके अंदर आपका एक उंगल पानी पड़ेगा। इसका मतलब उससे, तो आप देखेंगे कि इसकी मदद से आपके चावल जब भी आप बनाएंगे हमेशा खिले खिले ही बनेंगे। दोस्तों जब भी हम मार्केट से दालें या मसाले लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके पैकेट को खोलकर उसके दाल या मसाले अपने कंटेनर में फिल कर देते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, कई बार दालों और मसालों में आपने देखा थोड़ा सा पाउडर निकलता है, जिसके कारण हमारे डिब्बे जो हैं ख़राब हो जाते हैं। तो उसको हमें साफ़ करना पड़ता है, जिसके कारण हमारा काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। उसके लिए बहुत ही बढ़िया लेज़ी हैक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी दालें मसाले लेकर आएँ तो आप उसको कंटेनर में डालने की बजाय पूरा जो आपका पैकेट है उसी को ही आप कंटेनर में डाल के रख दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके दाल या मसाले जो हैं मॉइस्चर फ्री भी रहेंगे और ये आपके डब्बे को भी गंदा नहीं करेंगे और आपका डब्बा साफ रहेगा, जिससे कि आपका काफ़ी सारा समय भी बच जाएगा। टाइम के साथ साथ दोस्तों हमारे ये कंटेनर जो है गंदे हो जाते हैं, जिनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल काम लगता है हमें। कई बार जब हम बिजी होते हैं या हमारे पास टाइम नहीं होता है, या कभी हम थके हुए होते हैं, या कई बार ऐसा होता है हमने दिवाली की सफाई करनी होती है, या हमारे घर कोई मेहमान आए होते हैं, फंक्शन होता है, हमें अपने डिब्बों को क्लीन करना होता है, तो हमें जो है काफ़ी दिक्कत लगती है, इसको निकालो और इसको डुबो के रखो और इसको धो, तो हमारा काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। उसके लिए सबसे लेज़ी हैक ये है, सबसे आसान लेज़ी हैक है कि आपके घर पे वाइप्स तो होंगी ही, झटपट से आप अपनी वाइप्स को निकालिए और इसको वाइप्स की मदद से अपने कंटेनर को साफ कर लीजिए। ये देखिए मैं आपके सामने कंटेनर को साफ करके दिखा रही हूँ। इससे हमारा कुछ भी टाइम ज़्यादा खर्च नहीं होता है और आपका कंटेनर जो है बिना किसी मेहनत मशक्कत के इजीली क्लीन हो जाता है। अभी मैं आपको सारा कंटेनर, वैसे तो मेरा कंटेनर साफ है, ज़्यादा इसमें इतनी मिट्टी नहीं है, फिर भी मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ कि इस वाइप से ये कितना क्लीन हो जाता है। इसमें मैं जो वाइप है वो यूज्ड वाइप यूज़ कर रही हूँ, मैंने कोई फ्रेश वाइप नहीं ली है। चाहे तो आप फ्रेश वाइप का भी यूज़ कर सकते हैं इसको साफ करने के लिए। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको कंटेनर को साफ किया है, साफ होने के बावजूद भी मेरे कंटेनर में से इतना डस्ट निकला है। इसके मदद से हमारा जो है कंटेनर इजीली क्लीन हो गया, इसके लिए हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो जब भी आपके पास टाइम ना हो या आपका
काम करने से थक गए हों तब आप इस हैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इनमें से आपको कौन सा हैक अच्छा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला हैक होने वाला है दोस्तों कपड़ों को लेके। जब भी हम कपड़े वॉश करते हैं और जब हम उसको समेटने लगते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम इतने थक जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम कपड़े उठा के अपने बेड के ऊपर ही रख देते हैं, जिसके कारण हमारा घर जो है बहुत ही गंदा लगता है। और बाई चांस कोई आ भी जाए तो वो हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे बेड के ऊपर कपड़े पड़े हुए हैं। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया हैक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अगर थक जाएं या आपके पास टाइम ना हो तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने दरवाजे के पीछे ये किल्ली टांगी हुई है, उसके ऊपर आपने कपड़ों को टांग दे तो उससे क्या होगा कि आपके कपड़े जो है सिमटे भी रहेंगे और जब आपको टाइम मिलेगा आप वहाँ से उतार के चाहे उसको प्रेस करें या उसको तह लगा के अपने कबर्ड में उसको ऑर्गेनाइज करके रख दें। ईयर प्लग का दोस्तों हम सब इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन जब ईयर प्लग का इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद हम या बच्चे जो है इसको इस तरीके से टेबल पे छोड़ देते हैं, जो कि देखने में बहुत बुरे लगते हैं। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम ज्यादातर रबड़ बैंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले रबड़ बैंड की डिब्बी को ढूंढना पड़ता कहाँ है, उसमें से रबड़ बैंड निकालनी पड़ती है, उसके बाद हम इसको अरेंज करके रखते हैं। तो उसके लिए सबसे सिंपल हैक ये है कि आप जब भी अपने ईयर प्लग को इस्तेमाल करें और सोने लगे या कहीं भी आप इसको अरेंज करके रखें तो उसके लिए आप सिंपली इसको इस तरीके से फोल्ड करें और आपके क्लचर तो आपके पास होता ही है, ये आपके सर पे लगा होता है, अपना क्लचर उतारिए और इसके ऊपर इसको लगा के रख दीजिए। इस तरीके से आपका जो है ये ऑर्गेनाइज भी रहेगा और आपको इसको बंद करने के लिए या इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इधर उधर रबड़ बैंड या किसी और चीज़ के लिए भागना भी नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, मूंगफली ऐसी चीज़ है जो हमारी हर चीज़ में इस्तेमाल होती है, चाहे वो नमकीन रेसिपी हो या हमारी कोई मीठी डेजर्ट बनानी हो, हर चीज़ में मूंगफली का हमारा इस्तेमाल होता है। लेकिन मूंगफली को जब हमें इस्तेमाल करना होता है तो हमें उससे पहले उसको रोस्ट करना होता है, तो ये हमें बड़ा सिरदर्दी का काम लगता है जब हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। तो इसके लिए मैं आपको साथ हैक शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या करें इस मुसीबत से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप झटपट जो है पहले से ही मूंगफली को रोस्ट करके रख ले। और रोस्ट करने के बाद आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि आप क्या करें, इसको रोस्ट करने के टाइम पे थोड़ा सा पानी का छींटा मार दें, उससे क्या है आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपकी मूंगफली जो है झटपट जो है भुन भी जाएगी और साथ में इसका छिलका आप देखेंगे अपने आप ही धीरे धीरे उतरने लगेगा, आपको बाद में कोई एक्स्ट्रा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं अब ये धीरे धीरे इसका छिलका अपने आप उतरना शुरू हो गया। बस आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से हिलाते जाना है और अपनी जो करछी है इसके बैक साइड से इसको दबाते हुए हिलाना है। देखिए ये मैं दबा रही हूँ, दबाने से इसके छिलके अपने आप ये देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों मेरे ये सारे के सारे मूंगफली के दाने अब सूख चुके हैं। अब आप देखेंगे कि ठंडे होके इनके मूंगफली के छिलके अपने आप ही उतरते जा रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आपने एक लेनी है स्ट्रेनर और स्ट्रेनर की मदद से आप इसके छिलके अब इसमें से अलग कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब ये आपके रोस्ट हो गए, अब आप इसको स्टोर करके रख लीजिए जब भी कोई डिश बनानी हो और आप इसका इस्तेमाल करें। ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों, आई होप ये आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।